जनाब, कई रिसर्चर्स ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि शिकायत करने की आदत बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ये लोगों की हेल्थ, हैप्पीनेस और करियर, इन सभी को नुकसान पहुंचाती है। ज्यादातर लोग इस सच्चाई से अनवेयर होते हैं कि जिंदगी में कितनी शिकायतें करते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि हम उठ करके अखबार या फिर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा कोई भी काम वर्ल्ड लेवल पर चेंज लाने में अनइम्पॉर्टेंट है। ये नेगेटिविटी या हम ये मान के चलो कि जो नकारात्मक नजरिया है आपका, ये तब और भी बढ़ जाता है जब हम ये सोचते हैं कि दुनिया की मुश्किलों पर हमारा ना कोई जोर है और ना ही कोई कंट्रोल है। चाहे वो राजनीति हो, वर्ल्ड लेवल पर भूख की समस्या हो, आपकी एजुकेशन हो, प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर एनवायरमेंट हो, एक नॉर्मल व्यक्ति इन समस्याओं से जूझने में अपने आप को असमर्थ पाता है। बट चाहे हम उस प्रॉब्लम का एक पार्ट ना हो, पर किसी व्यक्ति को डिस्करेज होकर के उसको निष्क्रिय होने देना भी तो समस्या का समाधान नहीं है। तब कोई व्यक्ति क्या करे जब वो समाधान का हिस्सा बनने की प्रक्रिया से बाहर भी हो और डिस्करेज भी हो। अगर हमें अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहना है तो इस बात का विश्लेषण करना होगा, एनालिसिस करना होगा कि कौन सा प्रोसेस काम करता है और कौन सा प्रोसेस काम नहीं करता है। एकाग्रता से सामर्थ्य पर ध्यान देना और फिर जो आपका गोल है उसको सेट करके, टारगेट को सेट करके उसके अकॉर्डिंग काम करना उसके सुधार के प्रोसेस में सहयोग दे सकता है। एक छोटा कदम हमें बड़ी हैप्पीनेस दे सकता है। पर बच्चा कदम कदम करके ही चलता है। अगर अब मान करके चले कि एक व्यक्ति कदम बढ़ा करके अपना गोल पा सकता है तो बाकी व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो वर्ल्ड लेवल की बात है कि एक इंसान, एक काम, उसको समर्पित समूह, एक कमरे में बैठे निष्ठावान या फिर एक भक्त, हम ऐसे मान के चलते हैं काम के प्रति निष्ठावान लोग इतने प्रभावकारी हो सकते हैं कि उसका असर वर्ल्ड लेवल पर भी देखा जा सकता है। एक पॉजिटिव डिसीजन या फिर आपका नजरिया उसको रख करके अगर कोई व्यक्ति या समूह किसी मुद्दे पर या फिर काम करना चाहे तो वो नकारात्मक स्थिति को अच्छी स्थिति में बदल सकता है। मैंने बिल्ली की कई प्रजातियां देखी हैं जिनका जब सर्दी आती है ना, ठंड आती है, उसमें कायाकल्प होता है और वो प्रजनन की स्थिति में होती है। अब बड़ी उम्र की बिल्लियों की काया पतली होने के कारण उन्हें प्रजनन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके बालों की अटकलें सुलझाने का वो लोग बड़ा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, बट एक प्रयास में ऐसा नहीं हो पाता है और बिल्लियां बहुत ही बेचैन हो उठती हैं। बट वो लोग उनके बालों को पूडल कट, उनके बालों की व्यवस्था में नहीं बांधना चाहते। इससे बिल्लियों की गरिमा और सुंदरता दोनों ही बनी रहती है। एक समय में बालों की एक या दो गुत्थियों को सुलझा देती है। जिंदगी का भी ऐसा ही खेल है। जिंदगी में सारे काम सफलता से एक साथ नहीं किए जा सकते, बट अगर हम एक समय में एक काम ध्यान से करें तो काफी डिफरेंस पैदा हो सकता है। उस एक बात और सब्जेक्ट पर अपना ध्यान फोकस करिए जो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। काम करते हैं तो हमारी दुनिया बदलनी शुरू होती है।
इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम बिल्लियों को या फिर स्टार फिश को या फिर विश्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरत सिर्फ समर्पण से काम करने की है। अपने आप को, खुद को और वर्ल्ड के लिए काम करना शुरू तो कीजिए। बदलाव खुद ही नजर आएगा।